नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एग्जिट एग्जाम का प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। एग्जिट एग्जाम के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप डिजी शिपिंग के सर्कुलर 17 अक्टूबर 2020 भी रेफर कर सकते हैं। एग्जिट एग्जाम देने से पहले आपको ई लर्निंग और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कोर्स कम्प्लीट करना होगा। जब आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कोर्स कम्प्लीट करते हैं तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको एग्जिट एग्जाम देने के लिए ऑथराइज करते हैं और एग्जाम का पेमेंट करते हैं। एग्जिट एग्जाम का टाइमिंग 10:00 बजे से लेकर 5:00 बजे तक है और वह मंडे से सैटरडे के बीच में कर सकते हैं। एग्जिट एग्जाम देने से पहले आपको कुछ प्रिपरेशन करना होगा जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। एग्जाम देने से पहले ये मेक श्योर कर लें कि आपके पास इंटरनेट का अच्छा कनेक्शन है और उसका स्पीड भी अच्छा है और उसका आपके पास डाटा भी काफ़ी है ताकि आप एक बार में एग्जिट एग्जाम कम्प्लीट कर लें और बीच में इंटरनेट कनेक्शन इंटरप्ट ना हो। लैपटॉप या डेस्कटॉप रहेगा तो बेटर है, क्योंकि अगर आपका बीच में पावर कट होता है तो लैपटॉप ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि लैपटॉप में इनबिल्ट बैटरी रहता है जिससे आप एग्जिट एग्जाम पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। एग्जिट एग्जाम कभी भी आप मोबाइल में या आईपॉड में ट्राई आउट ना करें। अगर एग्जिट एग्जाम देते समय आपका इंटरनेट कनेक्शन फेल हुआ या पावर कट हुआ तो वो अटेम्प्ट आपका वेस्ट हो जाएगा और आपको दोबारा पे करना पड़ेगा एग्जिट एग्जाम का फीस और आपको दोबारा एग्जिट एग्जाम अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इस तरह से आपका एक अटेम्प्ट आप मिस कर जाएंगे। इसलिए ध्यान रहे, जब भी एग्जिट एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके पास डाटा कनेक्शन और पावर बैकअप होना चाहिए। एक बार ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैक्सिमम आप 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर 3 अटेम्प्ट में आप एग्जिट एग्जाम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपको दोबारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कोर्स बुक करना पड़ेगा और आपको दोबारा पूरा कोर्स दोबारा करना पड़ेगा। एग्जिट एग्जाम देने से पहले आप ये भी इंश्योर कर लें कि आप ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पर आपके पीछे कोई मूवमेंट ना हो। एग्जिट एग्जाम देते समय आपका फेस स्क्रीन पर होना चाहिए, आप केवल स्क्रीन पर देख रहे हो और आप ना ही आप बॉडी का कोई मूवमेंट करें और ना ही आप अपने गर्दन या सर को हिलाएं। ऐसे करने से आपका एग्जिट एग्जाम बीच में ही रुक जाएगा। एग्जिट एग्जाम देने से पहले आपको अपने लैपटॉप में से जूम, गूगल मीट और एंटीवायरस अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। ये जूम सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करने का प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। किसी भी लैपटॉप में आप सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाने के बाद ऐप में जाइए, ऐप में जाने के बाद जो जो भी आपने ऐप इंस्टॉल करके रखा है सब आपको दिखेगा, आप सेलेक्ट कीजिए, अनइंस्टॉल कीजिए। इसी तरह आप जूम हो गया, गूगल मीट हो गया और एंटीवायरस यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा आपको सेटिंग करना पड़ेगा विंडो डिफेंडर। विंडो डिफेंडर में आपको डिफेंडर को डिसेबल करना पड़ेगा, उसका प्रोसीजर यहाँ पर है। अपडेट सिक्योरिटी में जाइए, विंडो सिक्योरिटी में जाइए, फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन, इसमें विंडो डिफेंडर को आपको डिसेबल करना पड़ेगा। ये सब करने के बाद आपका लैपटॉप रेडी है एग्जिट एग्जाम के लिए। डीजी शिपिंग की वेबसाइट पर जाएं और एग्जिट एग्जाम क्लिक करें। एग्जिट एग्जाम क्लिक करने के बाद आपको ये विंडो ओपन होगा, यहाँ पर आप अपना विंडोज नंबर डालें और लॉगिन करें। कभी कभी आपकी स्क्रीन पर यह वार्निंग साइन आएगा, इसका मतलब है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने आपका एग्जिट एग्जाम के लिए पेमेंट नहीं किया है। आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को कॉन्टैक्ट करें और अपना एग्जिट एग्जाम का पेमेंट कराएं, उसके बाद आप दोबारा लॉगिन करें। दो लॉगिन के बीच 30 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए। लॉगिन करने के बाद आपका एग्जिट एग्जाम का विंडो ओपन होगा जिसमें आपकी सारी डिटेल स्क्रीन पर नजर आएंगी। कभी कभी सिस्टम आपसे आपका डिटेल अपडेट करने का पूछेगा, वो ऑप्शन आपके पास आएगा। यहाँ पर सारी डिटेल अपडेटेड है। राइट साइड में जाइए और डाउनलोड क्लिक करें। इसे एक फाइल डाउनलोड होगा, ऊपर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फाइल डाउनलोड है, तो उसको क्लिक करें। एक ब्लैक विंडो ओपन होगा, ब्लैक विंडो में अपना विंडोज नंबर डालें और एंटर दबाएं। ब्लैक विंडो डिसअपियर हो जाएगा। अगर पैरेलल कोई विंडो खुलता है तो आप उसको क्लोज कर दें और आप अपने एग्जिट एग्जाम के पोर्टल पर जाएं, वहां पर रिफ्रेश बटन क्लिक करें, जो कोर्स का आप एग्जिट एग्जाम देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें और प्रोसीड करें। कैमरा ओपन होगा, किसी किसी सिस्टम में कैमरा परमिशन मांगता है ओपन होने के लिए, आप उसको यस करें। ये इंस्ट्रक्शन है, आप पूरे इंस्ट्रक्शन को एक बार पढ़ लें और लास्ट दो इंस्ट्रक्शन को आप सेलेक्ट करें। आप अपना कैमरा को इस तरह एडजस्ट करें कि आपका फेस अच्छी तरह आ रहा हो। क्लिक करें, सिस्टम ने आपका फोटो कैप्चर किया और आपका एग्जिट एग्जाम स्टार्ट हो गया। एग्जिट एग्जाम का टोटल ड्यूरेशन 30 मिनट्स है और 30 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट करते रहें और आगे बढ़ते रहें। जब आप लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा सबमिट टेस्ट।
आप सबमिट टेस्ट को क्लिक करें तो आपका रिजल्ट उसी समय आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप पास हो गए तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आप फेल हो गए तो आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को दोबारा कॉन्टैक्ट करें और एग्जाम का रीपेमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।